मंगलौर में शव को अंतिम संस्कार तक ले जाने के लिए 3 वर्षों से शव वाहन की मांग कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों में भारी रोष है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी से लेकर नगरपालिका अधिकारियों से शव वाहन की मांग कर चुके हैं। नगरपालिका परिषद के सभासद अब साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं मंगलौर नगरपालिका परिषद के सभासद नरेंद्र शर्मा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कस्बे में शमशान घाट की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक है। शव के अंतिम संस्कार के लिए हिंदू वर्ग के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक में कई बार शव वाहन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी मंगलौर नगरपालिका परिषद ने शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। नगर पालिकाओं में अभी शव वाहन जैसा मैं जिस नगर पालिकाओं में वाहन नहीं मिला है, और यदि यहाँ आवश्यकता है तो धन उपलब्धता और बोर्ड की सहमति पे हम इसको जरूर क्रैक करेंगे और पब्लिक के लिए व्यवस्था बनाएंगे। ये शव वाहन के संबंध में हमने ये की है प्रेस वार्ता कि 3 साल पहले हमने प्रस्ताव पास कराया था इसका, और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया था। इसके बाद हम बराबर कहते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई।